तो भगवान बुद्ध हमेशा दो प्रकार के सत्यों की देशना देते हैं, जिसे आपको समझना चाहिए। वो कौन से हैं दो सत्य? द्वय सत्यानां समनुसृत्य बुद्धानं धर्म देशना लोक संवृति सत्यम सत्यम च परमार्थतः। दो प्रकार का सत्य कौन सा? एक है संवृति सत्य, लोक संवृति सत्य, और दूसरा है परमार्थ सत्य। लोक संवृति सत्य क्या है? जैसे हर कोई व्यक्ति क्रिकेट पसंद करता है, 90% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, वो चाहे काम करने वाले हों या बिना काम करने वाले लोग हों, बेरोजगार हों। जब क्रिकेट आता है तो हर कोई टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, जो जो सुविधा है उनके पास, उसके सामने वो बैठ जाते हैं। क्या देखने के लिए? क्रिकेट देखने के लिए हर कोई। क्या ये सच नहीं है? सच है, नहीं तो बताइए। संसार के 90% लोग क्रिकेट देखते हैं, उनको हम पागल कहेंगे? तो 10% लोग ही बचे ना, और जीत हमेशा उसी की होती है संख्या जिसकी ज़्यादा होती है। लेकिन संसार में ज्ञानी कम होते हैं, अज्ञानी बहुत होते हैं। तो ये लौकिक सत्य है, ये लोक समृद्धि सत्य है, ये भी सच है, इसको झुठला नहीं सकते, क्योंकि सारी दुनिया जिसे मानती है उसे तो सच मानना ही पड़ेगा ना। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जिसे सारी दुनिया इतना प्रेम करती है, सारे काम बंद करके बड़े बड़े लोग बैठे जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए। अब जब भारत पाकिस्तान का हो तब तो और कहना ही क्या, भारत जीते इसके लिए लोग बैठ जाते हैं, जिताने के लिए। मारता वो है चिल्लाते, अरे जो चला गया, मारता मारता वो है जिताते, ये है यहाँ से बैठ कर ये छूट गया, इससे मारा होता वो इससे मारा होता। ये भी सच है लेकिन लौकिक। नहीं तो सोचिए ना कि एक इतना बड़ा सा डंडा होता है, थोड़ा बड़ा सा होता है, जिसे बैट कहते हैं हम, इतना एक बड़ा सा गेंद होता है, कितने सारे लोग खड़े रहते हैं, एक फेंकता है फिर मारते हैं तो इतने सारे लोग दौड़ के पकड़ते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर मारते हैं, फिर दौड़ दौड़ पकड़ते हैं। ये फेंकना पकड़ना ही होता है, जरा ध्यान से देखो तो ये पागलपन नहीं, शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? पागलपन नहीं है? और अगर ये इतना ही अच्छा होता तो भगवान बुद्ध क्यों नहीं खेले? तो राजकुमार थे। अब कहेंगे उस समय तो क्रिकेट था ही नहीं तो खेलते क्या? अरे तो क्रिकेट नहीं रहा होगा तो कोई और गेम खेलते ना। क्या उस समय कोई खेल नहीं था? कोड़ी होती, खो खो था, क्या क्या बहुत सारे वर्णन मिलते हैं, इतने सारे खेलते ना। लेकिन भगवान तो कोई खेल नहीं खेले ना। संत रविदास क्यों नहीं खेले? संत कबीर क्यों नहीं खेले? ईसा मसीह क्यों नहीं खेले? या अन्य भगवानों को जिनको आप समझते हैं वो क्यों नहीं खेले? अगर ये सच में सच है, अच्छी बात है, तो ये सारे लोग क्यों नहीं खेले? नहीं, क्यों? क्योंकि ये परमार्थ सच नहीं है, ये परमार्थ सच नहीं है, अपितु ये सब चीजें क्या है? माया है। इसी में तो सारा संसार फंसा है, सारे लोग फंसे हैं। लेकिन संत ज्ञानी और जो प्रवज्जित है, जिसने सच में त्याग कर दिया है, जिसने सच का साक्षात्कार किया है, वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसता है। इसलिए एक लौकिक सत्य है जिसे आप मानते हैं, एक परमार्थ सत्य है। तो सारी दुनिया इस समय लौकिक सच पे ही चल रही है। जो मर रहा है उसे बचाने में लोग लगे, बच जाता है, सही है, लौकिक सच है, बच गया। ऐसे लगता है बच गया, अब अमर हो गया, मरेगा नहीं कभी। तब आप कहेंगे क्या मरने दें फिर उसे? नहीं नहीं, बचाइए, लेकिन इस भावना से नहीं कि अभी अमर हो जाए। जो जीता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं मरूं ही ना, मैं जिंदा ही रहूं, अमर होना चाहता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। संसार की सारी चीजें समृद्धि सत्य, इसे सच नहीं मान सकते। इस सच के सहारे आप मुक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकते। आप चाहें कि आपको स्वर्ग प्राप्त हो, सुगति प्राप्त हो, तो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। कोई क्रिकेट खेल करके जाए, जैसे कोई देश की रक्षा करता है, कोई क्रिकेट खेलता है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको हम लौकिक सच में ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो यथार्थ में सच नहीं होते। अगर सच होते
अब जैसे राजाओं की बात की जाए, हमारे देश का जो राजा होगा दूसरे देश के राजा को हराया होगा, तो राजा हमारे देश में पूजित होता है। हाँ, एक बड़ा हिंदी में श्लोक था बढ़िया, राणा प्रताप के ऊपर, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये हम लोग हिंदी में पढ़ते थे ना, कि राणा प्रताप जो राजा है, यानी सिर्फ राणा प्रताप ही नहीं, ऐसे जितने भी राजा हुए अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए क्या किए हैं, कितने सारे कत्लेआम की, हत्याएं की हैं। और ये सच है, लेकिन कौन सा सच है, संवृत्ति सच है। लेकिन परमार्थ सत्य से अगर आप देखेंगे तो इतने लोगों को मारा है, ये कितना बड़ा अपराध किया, कितना बड़ा पाप किया। इसलिए सम्राट अशोक इतने बड़े नरसंहार के बाद उनका हृदय कांप उठा, और जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने ये भीषण नरसंहार जो होता था मारना, उसे बंद कर दिया। तो हम स्तुति करते हैं कि उनकी जवानी कैसे सफल हुई, सिर काट काट करके, बताओ किसी को मार करके अपने सुख के लिए, अपने राज्य के लिए मारे, तो क्या ये सफलता है, ये जवानी सही हो रही है? नहीं। कभी भी किसी भी कारण से किसी की हत्या करना उसे पुण्य नहीं कहा जा सकता। अगर पुण्य होता तो भगवान बुद्ध क्यों नहीं मारे, संत रविदास क्यों नहीं मारे? अरे इतना बड़ा अंगुलीमाल, 1999 लोगों की हत्या किया, और राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा था, लेकिन भगवान बुद्ध चाहे होते तो मार देते। मार देते कि नहीं? अन्य धर्मों में तो लोगों ने मारा ही है, और इसी को भगवत्ता कहा गया। लेकिन अगर सच में तुम भगवान हो, तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है, तो उसे सही राह दिखाइए ना। ये मारने का काम तो आम आदमी भी कर लेता है। हाँ, जिसे दुष्ट समझता है उसका गला काट देता है, जिसे अच्छा समझता है उसे पूजता है। तो वही काम अगर भगवान भी करता है, तो आदमी में और भगवान में अंतर क्या? भगवान में इतना सामर्थ्य होता है कि वो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी संत बना देता है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया, सत्था देव मनुष्यानं, शास्ता है देवताओं और मनुष्यों के, और इतने अच्छे शास्ता हैं कि पुरिस दम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं, कि बिगड़ेल से बिगड़ेल व्यक्ति भी हो तो उसे क्या करते हैं, अपने नियंत्रण, अपने ध्यान, अपने उपदेश से, अपने ज्ञान से, अपनी समाधि से उसे क्या करते हैं, रास्ते पे ला देते हैं। उसे कभी मारते नहीं, उसे कभी मारते नहीं। जैसे अच्छा सारथी बिगड़े से बिगड़ेल घोड़े को भी नियंत्रण में कर लेता है, ये नहीं कि अरे घोड़ा अच्छा नहीं मार दो इसे, ये घोड़ा अच्छा नहीं मार देता है, नहीं, बिगड़े से बिगड़ेल घोड़े को भी क्या करता है, नियंत्रण करके सही रास्ते पर लगाता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध बिगड़े से बिगड़े लोग को भी सीधा करके संत बना देते हैं। इसे कहते हैं भगवत्ता, इसे कहते हैं सार्थक जवानी। हाँ, किसी का सर काट करके अपने हित के लिए किसी का सर काटना, ये कोई सार्थक बात नहीं होती। तो इसलिए ये क्या है, लौकिक सत्य है, जिसे हम सारे लोग मानते हैं। हमारे देश के राजा ने उनको पछाड़ा, उनको हराया, उनको मारा, सही है, ये लौकिक सच हम मानते हैं। लेकिन परमार्थ में समझेंगे तो इतने लोगों की हत्या करने वाला कोई हमारा राजा नहीं हो सकता, कोई हमारा राजा नहीं हो सकता, कोई पूजनीय योग्य नहीं हो सकता। जिसके भीतर मैत्री करुणा नहीं हो, वो कभी भी हमारे पूजने के योग्य